ओके, तो प्रॉब्ली हम सबको बचपन से एक चीज़ बोली गई है और वो है, फेलियर से डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। एंड सच बोलूँ तो आई एम शिट स्केर्ड ऑफ फेलियर। मेरी फेलियर से फटती है, मेरी फेल होने से, इस थॉट से रूह कांप जाती है। एंड अगर एकदम सच बोलूँ, आई थिंक दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। वी शुड बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। अब अगर तुम कोई भी नॉर्मल इंसान हो तो तुम सोच रहे हो कि इतने रैंडम भारी भरकम डीप थॉट्स अचानक से कहाँ से आ गए। तो वेल, ये शुरू हुआ था रफली 14 घंटे पहले सुबह के 4 बजे, जब मेरा मन कर रहा था कि शहर का थोड़ा बी रोल लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ। ऑनेस्टली उस पूरे सेगमेंट को शूट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एंड अगर तुमने अपना सिटी डिस्कवर नहीं किया है और अपना सिटी फिल्म नहीं किया है, स्पेशली अजीब अजीब टाइम पे, प्लीज़ डेफिनेटली ट्राई करो। ऑल्सो अगर आपको वो बी रोल सेगमेंट पसंद आया, ऑल द साउंड इफेक्ट्स, ऑल द म्यूजिक वॉज फ्रॉम एपिडेमिक साउंड। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो एपिडेमिक साउंड अपनी वीडियोज़ के लिए, तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 30 डेज एकदम फ्री ट्रायल, नो कंडीशंस। और बाय चांस आप सोच रहे हो मेरी शक्ल पे चोटे क्यों है और कहाँ से आई, ये भी इस कहानी का पार्ट है, तो सुनते रहो, आगे पता चल जाएगा। एनीवे, लगभग 4 बजे से 6 बजे तक हम लोग बाहर थे, वो वीडियो शूट कर रहे थे। एंड देन आई रियलाइज समथिंग, एंड वो रियलाइजेशन ये थी कि जब मैं वो सारी फुटेज को अपने कैमरा पे देख रहा था, आई वॉज नॉट श्योर उसमें से कुछ भी यूजेबल होगा या नहीं। मैंने लगभग 2-2.5 साल में, प्रॉबली एवर सिंस कोविड, कोई भी फिल्म मेकिंग टाइप प्रोजेक्ट नहीं किया, ना यूट्यूब पे, ना फ्रीलांस में, कहीं भी नहीं। एंड आई फेल्ट मैं वीडियोस बनाना, फिल्म्स बनाना भूल चुका हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ईदर आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस चैनल, या कुछ नए लोग भी हो सकते हैं। चांसेस आर, मुझे पता है इस वीडियो पे व्यूज़ कम होंगे, एंड दैट्स बिकॉज ओवर द ईयर्स जिस चीज़ के लिए मैं जाना जाता था, जो चीज़ मुझे करने में मज़ा आता था, सुंदर वीडियोज़ बनाने में, मैंने वो ही छोड़ दिया। डोंट गेट मी रॉन्ग, पूरी तरीके से मर्जी से नहीं छोड़ा। कोविड के टाइम पे आई कुडंट गो आउट, तो घर पे इजी वीडियोस बनाने लग गया, जो तब चल गई थी। एंड एक बार कोविड ख़त्म हो गया तो यूट्यूब ठीक ठाक चल रहा था, तो वापस फिल्म मेकिंग की तरफ गया नहीं, फ्रीलांसिंग की तरफ गया नहीं। देखो, मैं जानता हूँ दूर दूर तक नहीं हूँ, बट अपने इंस्टाग्राम बायो में मैं फिल्म मेकर लिखता हूँ। जब मुझे पता चला कि मुझसे एक फिल्म नहीं बन रही, तो दिस थॉट हिट मी लाइक अ रॉक, मेरे मुँह पे पत्थर के जैसे लगा, जैसे किसी ईंट पे इक्के मारी हो, बस चोटें नहीं थी दिखाने को। तो वो मैंने थोड़ी मेकअप से बना ली। घाव असली होना हो, इम्पैक्ट असली था, फीलिंग असली है। मुझे पता ये वीडियो शायद फेल होने वाली है, एंड सच बोलूँ आई कांट अफोर्ड दैट, आई एम अफ्रेड ऑफ फेलिंग। अगर ये वीडियो भी फेल हो गई, शायद चैनल भी फेल हो जाए, आई एम अफ्रेड ऑफ फेलिंग। बट एज आई सेड, बीइंग अफ्रेड ऑफ फेलियर इज एक्चुअली अ गुड थिंग। देखो, अगर फेलियर से डर लगता है, इट सिंपली मींस दैट यू केयर। दूसरा, नोइंग दैट यू कैन फेल गिव्स यू द पावर टू ओवरकम इट, टू क्रॉस योर लिमिट्स एंड टू सिंपली ट्राई अगेन। बिकॉज सिंपली सेइंग डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर इम्प्लाइज कि डरने की जरूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जिंदगी में हमेशा चांस लेना पड़ेगा, कभी हारोगे तो कभी जीतोगे। तो सिंपली बोलूँ तो सक्सेस की वैल्यू तभी समझ आती है जब फेलियर की एक्चुअल वैल्यू समझ आती है। अब इस बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारे क्या डर हैं, मुझे कमेंट्स में बताओ, और मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।